दोस्तों मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों ये है Redmi Note 7 जो कि आज इंडिया की मार्केट में लॉन्च हुआ है। और दोस्तों जहाँ तक इस फ़ोन के डिज़ाइन की बात करें तो बहुत ही अट्रैक्टिव डिज़ाइन है इसका, ग्रेडियंट डिज़ाइन है। और अभी आप मैं आपको ये देखिए, और ये इसमें ग्लास कवर दिया गया है पीछे, और काफ़ी इसकी जो अट्रैक्टिव लुक है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये दोस्तों राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे कि पावर बटन है, ऊपर वॉल्यूम लॉकर्स हैं, और लेफ्ट हैंड साइड पर दोस्तों डुअल सिम स्लॉट दिया गया है। और नीचे दोस्तों आप देखेंगे USB टाइप सी पोर्ट दी गई है, साथ में स्पीकर ग्रिल है। और जहाँ तक बात करें दोस्तों इसके, और ऊपर 3.5mm का हेड जैक और IR ब्लास्टर है। और जहाँ तक बात करें डिस्प्ले की दोस्तों, 6.3 इंच का डॉट नॉच डिस्प्ले है। एस्पेक्ट रेशियो है 19:5:9 और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। और पीछे दोस्तों आपको दो कैमरा इसमें मिलेंगे, 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा। और ये साथ में दोस्तों ये थोड़ा सा हटके फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है पीछे। और ये दोस्तों अगर आप इसके डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी बेजललेस डिस्प्ले है, और काफ़ी जो इसकी रेजोल्यूशन है 2340x1080 पिक्सल्स है। अगर आप बात करें दोस्तों इसके और हार्डवेयर फीचर्स की, तो दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है स्नैपड्रैगन का 660 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, और ये 5.2 एड्रीनो 5.2 GPU के साथ आता है। दोस्तों ये आपको दो वेरिएंट में मिलेंगे, 3 GB रैम प्लस 32 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और दूसरा दोस्तों जो वेरिएंट है वो है 4 GB रैम प्लस 64 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, और जिसको कि आप 256 GB तक एक्सटेंड कर सकते हैं वाया माइक्रो SD कार्ड। और दोस्तों इसमें 4000 mAh की बैटरी लगी हुई है, और ये आती है क्वालकॉम क्विक चार्ज 4 के साथ, और इसमें आपको फास्ट चार्जिंग की सुविधा मिलेगी। और दोस्तों इस फ़ोन को चलाता है MIUI 10 विच इज़ बेस्ड ऑन Android 9 Pie। तो जहाँ तक कैमरा की बात करें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल के डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है पीछे। और जो फ्रंट में दोस्तों आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, जिसमें कि आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस अनलॉक का फीचर भी मिलेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्ट्रेट सेल्फी का फीचर भी मिलेगा। चाहे वो दोस्तों बैक का कैमरा हो चाहे वो फ्रंट का कैमरा हो, इस रेंज में दोस्तों काफ़ी पावरफुल कैमरा इस फ़ोन में प्रोवाइड करवाए गए हैं। और दोस्तों ये फ़ोन दोस्तों 3 कलर में आता है, ब्लैक कलर, सफायर ब्लू और रूबी रेड। और दोस्तों जहाँ तक प्राइस की बात करें तो इसकी जो प्राइस रखी गई है दोस्तों 9,999 रुपीज़, जो 3 GB प्लस 32 GB जो वेरिएंट है, 4 GB प्लस 64 GB वेरिएंट की प्राइस है दोस्तों 11,999 रुपीज़, और ये 6 मार्च से दोस्तों इंडिया में मिलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा जो इसमें कनेक्टिविटी के ऑप्शन हैं वो है डुअल 4G, डुअल वोल्टेज और वाईफाई और ब्लूटूथ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी पावरफुल ये फ़ोन बनाया गया है। अगर इसका इसके फीचर्स को आप कंपेयर करें विज़ इट्स प्राइस, तो आपको सभी कुछ मिल जाता है। बहुत बढ़िया इसमें आपको डिस्प्ले मिलेगा, फुल HD प्लस डिस्प्ले है, और इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी जा रही है सिक्योरिटी के लिए। और सिक्योरिटी के लिए दोस्तों आपको फिंगरप्रिंट सेंसर तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी इसमें प्रोवाइड करवाया गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ग्लैमरस लुकिंग फ़ोन है, और फीचर्स वाइज भी काफ़ी रिच फ़ोन है अगर आप इसकी प्राइस को देखें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरा ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं जिसका नाम है techmom.com, जिसमें मैं टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल के बारे में लिखता हूँ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन एंड बाय बाय।